हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। आई होप आप सब लोग ठीक ही कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में कोविड के बाद कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जिसकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करो और बस खुश रहो। खैर, जब हम लोग इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं कि भाई धूम 4 में सलमान खान और अक्षय कुमार दोनों ही हमें नज़र आने वाले हैं, तो ये सुनकर एज अ फैन बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टार्स जैसे सलमान, शाहरुख, अक्षय, ऋतिक, इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो इस कदर है कि उनके लिए फैंस कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ऐसे फैंस को पता चलता है कि उनके फेवरेट स्टार एक ऐसी फ्रेंचाइज में है या आने वाले जो पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऑब्वियसली फैंस बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इसलिए ट्विटर पे लास्ट कुछ एक हफ्ते से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें ट्रेंडिंग पे चल रही है कि भाई सलमान और अक्षय दोनों हमें धूम 4 में देखने को मिलेंगे। और मैं खुद बोलूँ तो यार, मैं इन सारे एक्टर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि कमर्शियली ये लोग बहुत बड़े स्टार है और इनका अपना एक स्वैग है। भले ये लोग एक्टिंग किस लेवल की करते हो उस पर हम लोग यहाँ पर डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन यस, ये लोग बहुत कमाल के स्टार यार, और इनको लोग फॉलो करते। तो आपको क्या लगता है कि सलमान खान धूम 4 में है? तो अगर मैं पर्सनली, जहां तक मैंने जितनी R&D की है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सलमान खान उन एक्टर्स में से एक है, और उनके मैंने बहुत सारे प्रीवियस इंटरव्यूज भी देखे जहां पर उन्होंने साफ साफ एक ही चीज बोली है, जिस तरह से वो कपड़े पहनते हैं या फिल्मों में जो वो किरदार निभाते हैं, जो उनके हेयर स्टाइल होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनको देखकर सीखते हैं। और एक बोलते ना, जो यंगस्टर है वो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं उनकी चीज़ों से, और कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है वो अच्छे एक्टर की है, और वो फिल्मों में कभी विलन का रोल प्ले नहीं करते। तो इसलिए सलमान खान ने ये साफ बात बताई कि वो कभी भी विलन का रोल नहीं प्ले करेंगे। हाँ, अगर धूम फ्रेंचाइज में उनको कोई एक अलग रोल देगा जो नेगेटिव किरदार ना हो, तो वो करेंगे। और आपको पता है कि जब भी कोई धूम में कोई बड़ा स्टार आए, जैसे ऋतिक रोशन हो या आमिर खान हो, उनको यहाँ पर नेगेटिव रोल प्ले करना पड़ा है, जो कि सलमान खान उन कैटेगरी में खुद को नहीं मानते कि वो एक विलन का रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ सीधा सीधा नकार दो कि सलमान खान हमें धूम 4 में देखने को मिलेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे, तो भाई भाई 2-2.5 साल तक तो इतना बिजी है कि शायद ही वो धूम 4 में हमें नज़र आ सकते हैं। देखो, सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली में बिजी है, फिर उसके बाद उनकी टाइगर 3 जो कि मच अवेटेड मूवीज में से, उसमें बिजी है। फिर उसके बाद सूरज बड़जात्या के साथ उन्होंने एक मूवी साइन की, फिर उसके बाद साजिद नजरवाला के साथ उसकी किक 2 की सिचुएशन चल रही है। तो यानी कि सलमान खान के पास इतनी मूवीज है कि यार वो शायद ही धूम 4 करे, लेकिन धूम 4 ऐसे नहीं कि यार वो ना बोले, क्योंकि कोई भी इंसान इतने बड़े फ्रेंचाइज को मना नहीं करेगा। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा फ्रेंचाइज है जिसमें करोड़ों रुपए लगेंगे और करोड़ों रुपए उस एक्टर को भी मिलेंगे जो यहाँ पर काम करेगा। तो सलमान खान कभी भी मना नहीं करते कि धूम 4 में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और अगर अक्षय कुमार की बात करें, तो ऐसा बंदा जो साल में 7-8 फिल्मों की तो भाई शूटिंग ऐसे ही कंप्लीट कर लेता है। और अगर अक्षय कुमार की बात करें, तो बॉलीवुड में एक लौता ऐसा एक्टर है जिसके पास इतनी मूवीज़ है कि साले आप लोग काउंट करते करते थक जाओगे। ये बंदा हर दूसरे हफ्ते एक नई मूवी की अनाउंसमेंट करता है। तो ऐसे में धूम 4 अक्षय कुमार कर सकते हैं या नहीं, तो फिलहाल तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अक्षय कुमार के पास जितनी मूवीज़ है ना भाई, कम से कम 2.5-3 साल तक तो अक्षय कुमार भी बिजी है। और मुझे नहीं लगता कि अक्षय कुमार धूम 4 को साइन करेंगे। और जहाँ तक YRF का, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी अक्षय कुमार को लेकर धूम 4 का तो नहीं सोचेंगे। तो फिलहाल तो आप लोग ये चीज़ मान के चलो कि ये दोनों ही एक्टर हमें धूम फ्रेंचाइज में देखने को नहीं मिलेंगे। और क्या धूम 4 बन रही है? तो इस पर एक ही चीज़ बोलूँगा कि इम्पॉसिबल है, फिलहाल कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि YRF बिजी है पठान और टाइगर 3 में, और उसके अलावा जो उनकी छोटी छोटी मूवीज है उस पर वो बिजी है। और YRF फिलहाल सिर्फ स्पाई यूनिवर्स पर फोकस करना चाहता है, यानी कि वो वॉर 2 बनाएगा, उसके बाद फिर वापस से पठान 2 बनेगी, यानी कि यही सारी की सारी चीज़ें YRF में फिलहाल चलती रहेगी। तो अगर जिनको ऐसा लगता है कि धूम 4 पे कुछ हो रहा है, तो धूम 4 पे कुछ नहीं हो रहा है। जो फैंस है वो लोग अपनी अपनी तरह से जो एक फैन मेड पोस्टर बना रहे हैं, जो जो चीज़ें कर रहे हैं, वो सिर्फ फैंस के दिमाग में चल रहा है। एक्चुअली YRF इस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई इतना चूतिया नहीं है यार। और YRF जानता है कि उसके पास धूम एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसको वो इंटरनेशनली आगे लेके जा सकता है, यानी कि एक ऐसी फ्रेंचाइज है, अगर इसको कहानी अच्छी दे, अगर एक्टर्स अच्छे हो और इसमें VFX अच्छा हो, तो भाई जैसे आज मनी हेस्ट लोग देखते हैं या जितनी इंटरनेशनल सीरीज या मूवीज़ देखते हैं, टॉम क्रूज की अगर मिशन इम्पॉसिबल देखते हैं, तो वो इस वजह से देखते हैं, क्योंकि उसमें बियॉन्ड इमेजिनेशन कहानी होती है, उसका VFX होता है। तो वो लोग धूम फ्रेंचाइज को भी उस लेवल तक लेके जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। तो यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आपके अरमानों पे पानी फिर गया तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो बड़ी हो गई तो यार उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि ये चीज़ के लिए हमें डिटेल में समझाना पड़ता है फैंस को कि यार प्लीज़ फेक न्यूज़ मत फैलाओ, जो रियलिटी उस पर बिलीव करो, जो अच्छी अच्छी मूवीज़ आने वाली वो देखो। और रही सवाल धूम की, तो मैं इनके राइटर्स क्रिएटर्स को एक लास्ट मैसेज दूंगा कि यार अर्सेन लुपिन बहुत ही ज़बरदस्त चोर था दुनिया का, तो उसकी बुक्स पढ़ो,
उसमें ऐसे ऐसे किस्से हैं उसके बारे में कि आप लोग इजीली धूम 4 के लिए एक अच्छी कहानी ढूंढ सकते हो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।